Trick. So welcome to the part 2 of inauguration of the exhibition. इसके अंदर जो है वो मैंने मैक्सिमम कवर किया है रिकॉर्डिंग के थ्रू एंड पिक्चर्स के थ्रू. जो जो एंट्रीज यहाँ पर आई थी नफाक ऑडिटोरियम के अंदर, पिक्चर्स भी मैंने बनाई हैं प्रॉपरली और वीडियो भी अच्छे से रिकॉर्ड की अच्छी क्वालिटी में, ताकि जो डिटेल्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली आ सके. अनफॉर्चुनेटली जो मेरी मदर के टीचर थे वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो हमें जो था वो वहाँ से, मतलब जितना मेरा हमारा आइडिया था घर से कि हमें इस टाइम तक हम वहाँ पर निकलेंगे, लेकिन उससे जल्दी हम लोग वहाँ पर निकल रहा है. अच्छा, ये जो था ना, ये इनॉग्रेशन था एग्जीबिशन का, तो इस पर कुछ गेस्ट्स वगैरह आए हुए थे, लेकिन आई डिडंट नो देम दैट मच. ठीक है, तो लेकिन एक पर्सन से जो है वो वहाँ पर मैं मिली एंड उन्होंने जो था वो मिरर के ऊपर जो थी वो पेंटिंग की हुई थी. यहाँ पर मैं पॉप अप भी कर दूँगी, उसकी प्रॉपर वीडियो भी लगाऊंगी मैं. तो उन्होंने बताया कि किस तरह वो काफ़ी देर से जो है वो पेंटिंग्स बना रहे हैं. ही हैड सम टैलेंट, ठीक है, एजिड थे वो, लेकिन माशाल्लाह ही वॉज वेरी टैलेंटेड. उसके बाद जो है वो मेरी मदर की भी वहाँ पर एंट्री थी इन सेंस ऑफ पेंटिंग, वो भी मैं डाल दूँगी. और क्या कहते हैं, मेरी भी एंट्री थी माशाल्लाह. मेरी जो एंट्री थी ना पेंटिंग की, वो जो जब ऑडिटोरियम के अंदर एंटर हो रहे थे ना, तो सामने जो पेंटिंग्स लगी हुई थी ना, उनमें से एक मेरी पेंटिंग थी. तो उसकी पिक्चर भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी और उसकी वीडियो भी जो है वो लगाऊंगी. मतलब आई वॉज लिटरली लाइक शॉक के मेरी लगी हुई है वहाँ पर. तो जब आप दूसरे आर्टिस्ट से मिलते हो ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आप किसी और पर्सन से मिलो जो फैशन डिज़ाइनिंग करता हो या जो मेकअप करता हो या नेल आर्ट करता हो, तो आपको हमेशा ये फील होता है, हालांकि आपके घर में अराउंड आप एक सेलिब्रिटी होते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ भी जाकर आपको फील होता है कि लोगों को कितना ज़्यादा और पता है और लोग किस किस तरह से जो है वो चीज़ों को देखते हैं जो आपके विजन में आती नहीं है उस तरह से. तो वहाँ पर मुझे तो मतलब आई वॉज लाइक लिटरली स्टन कि वहाँ पर इतने बड़े बड़े कैनवासेस थे और इतने ज़बरदस्त आर्ट पीसेस थे ना, कि आई वॉज लाइक कि इन्होंने ये सोच कैसे लिया. आई एम श्योर कि उनकी भी कहीं ना कहीं से इंस्पायरेशन ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप कहीं से इंस्पायर भी होते हो ना, तो आपको फिर भी उसमें अपना कुछ ना कुछ डालना पड़ता है और वो भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है. तो ज़बरदस्त से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर. और मेरी जो पेंटिंग थी वो ऑडिटोरियम के एंट्रेंस के ऊपर ही जो थी वो लगी हुई थी जब हम एंटर हुए थे. इसको मैंने वीलॉग भी प्रॉपर बनाया था एंड माई ब्रदर हेल्प मी अ लॉट कि मैं प्रॉपरली जो है वो सारी चीज़ों की शूटिंग कर सकूँ. मैं जितना मैक्सिमम कर सकती थी अपने आप को इक्विप्ड उतना करके लेकर गई थी अपने गैजेट्स वगैरह घर से एंड ही हेल्प मी अ लॉट देयर. सो थैंक यू सो मच भाई फॉर दैट. और उसके बाद उन्होंने मेरी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स भी ली, हालांकि आपको पता है यार बहन भाई जो होते हैं वो अच्छी पिक्चर्स या अच्छी वीडियोस नहीं बनाते. तो ये एक प्रेशियस किस्म का मोमेंट था जहाँ पर मेरे भाई ने मेरी अच्छी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बना ली मेरी पेंटिंग्स के पास, मम्मा की पेंटिंग्स के पास भी एंड मेरी सिस्टर ने भी यहाँ पर जो है वो पेंटिंग दी हुई थी. मतलब हम तीन लोगों ने हमारी तरफ से जो थी वो पेंटिंग दी थी. तो ये था नफाक ऑडिटोरियम फैसलाबाद में, इनॉग्रेशन था ये और मेरे ख्याल से ये 18 अक्टूबर तक चलता रहेगा. तो अगर आप जाके देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह लगी होंगी एंड दे आर ऑल्सो फॉर सेल, ठीक है. बेसिकली इनॉग्रेशन था ये, ठीक है. जो एक्चुअल एग्जीबिशन है ना वो होना है फ्राइडे को, अब जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, यही वाला फ्राइडे. मुझे डेट नहीं सही तरह बताई, मैं यहाँ पे मैं डेट डाल दूंगी, ये डेट है, ठीक है. इस डेट को जो है वो वहीं पर जो है वो प्रॉपर एग्जीबिशन है जो कि प्रॉपरली ओपन टू द पब्लिक होगा. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, परचेज भी आप कर सकते हो कुछ, या फिर अगर आप कुछ कस्टमाइज किसी से करवाना चाहो आर्टिस्ट से, तो आप वो भी कर सकते हो. अच्छे टैलेंटेड लोग वहाँ पर आते हैं और ये काफ़ी देर से जो है वो वहाँ पर बिस्मिल्लाह जो है वो हो रहा है. अच्छा, यहाँ पर ना मैं कुछ पीछे में बोली जा रही हूँ, तो यहाँ पर जो है वो मैं डालूंगी कि मेरे लास्ट ईयर जो है वो तब भी मैंने सबमिट करवाई थी अपनी पेंटिंग, दैट वॉज अ फिश. और क्या कहते हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. और मेरी मदर जो है वो काफ़ी देर से इस ग्रुप की जो है वो एक प्रोमिनेंट मेम्बर है बिस्मिल्लाह आर्ट ग्रुप की, तो उन्हीं के थ्रू जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो सबमिशन थी. सारे मैं आपको यहाँ पे जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड वगैरह किए थे वो दिखा दूंगी. अच्छा खासा भरा हुआ था, ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि सिर्फ एक इनॉग्रेशन ही था प्रॉपर जो पब्लिक के लिए ओपन हुआ, वो मैंने आपको डेट का बता दिया है. ओके जी, तो ये थी सारी वीडियो. मैंने कोशिश की थी कि मैं मैक्सिमम जितना अच्छा शूट कर सकती हूँ करूँ. वहाँ पे एक टाइम पर प्रॉपरली लाइट्स ऑन नहीं थी, तो मैंने तब भी रिकॉर्डिंग कर ली. मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं हुआ, लेकिन जब लाइट्स प्रॉपरली सारी ऑन होगी तो मैंने दोबारा हर चीज़ की रिकॉर्डिंग की, कि अगर मेरे अपने पास भी मैं इसको रखूँ तो मेरे पास हर चीज़ की प्रॉपर डिटेल हो. एंड यू नो इट वेरी वेल कि लाइटिंग के बिना जो है ना वो वीडियोज़ और पिक्चर्स जो है वो अच्छी नहीं आती. तो मैंने दोबारा जो है वो हर चीज़ जो है रिकॉर्ड की एंड आई अगेन थैंक माई ब्रदर फॉर दैट. उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की वहाँ पर, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अल्हम्दुलिल्लाह. और कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, इट रियली फील्स गुड जब कोई बंदा ना आपके
इट्स नॉट लाइक कि कोई अप्रिशिएट कर रहा हो, इट्स जस्ट लाइक कि जब कोई बंदा आपके किसी आर्ट क्रिएशन को देखता है ना, वो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी मेकअप, इट कैन बी नेल आर्ट, इट कैन बी अ स्मॉल पेंटिंग, अ ड्रेस दैट यू हैव डिजाइंड और अ पेंटिंग दैट यू हैव मेड, इट कैन बी एनीथिंग. तो जब वो देख रहा होता है ना उसको, जब वो एक आधा मिनट वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा होता है ना कोई चीज़ को, तो यू आर लाइक वाह, मतलब ये एक लैंग्वेज है जो बंदा ना एक पेंटिंग के साथ कर रहा होता है. एंड मैं ज़्यादा कैलीग्राफी वगैरह नहीं करती, लेकिन लास्ट ईयर जो 2022 के अंदर जो बिस्मिल्लाह डे हुआ था, उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा जो थी वो सबमिशन दी थी अपनी मम्मा की तरफ से हेल्प करवाने के लिए. आई थिंक सो अराउंड 11 to 12 पेसिस जो थे ना वो मेरे थे पेंटिंग्स के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के कैलीग्राफी में. तो अदर देन दैट मैंने हमेशा हॉरर स्केचेस या यू नो सीनरी या इस तरह की या नॉर्मल स्केचेस इस तरह की पेंटिंग्स वगैरह की हुई हैं, या सी साइड्स या नाइट सीन्स वगैरह. तो दिस इज़ ऑल्सो न्यू कैटेगरी फॉर मी एंड आई लिटरली लव इट, क्योंकि इसमें एक स्पिरिचुअल सी फीलिंग आती है. तो आई होप सो कि आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा हो. और मैं जो ऑडिटोरियम है उस पर कॉन्टेक्ट करने का नंबर भी यहाँ पे बंद होगी मेरी, तो यहाँ पर जो है वो मैं डाल दूँगी. और क्या कहते हैं, सी यू सून इंशाल्लाह. अब जब मैं जो है वो अपलोड रिकॉर्ड करूँगी वो फंक्शन, जो एक्चुअल एग्जीबिशन था वो वाला जो है वो मैं वीलॉग भी एक अच्छे तरीके से अपलोड करूँगी. तो आई होप यू लाइक दैट टू. एंड एंडिंग दिस पार्ट टू ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट अगेन, कि बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, बिकॉज वो आपको छीन करना, आपसे अपना फ़ायदा लेकर भी आपको और नुकसान देने के चक्रों में हमेशा होंगे. एंड ट्रस्ट मी, अगर वो आपको रिलीजियस लोग भी लगते हैं ना, चाहे वो कोई हाफिज़ या हाफ़िज़ा ही क्यों ना हो, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन लोग ज़्यादातर ऐसे ही हैं. जो लोग दो नंबर ही ज़्यादा करते हैं ना, वो अपने आप को ज़्यादा यही दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा पापड़ हैं, हम बहुत ज़्यादा ये हैं, हम बहुत ज़्यादा सुन्नत पे हैं, ये हैं, बोलते हैं वो, ठीक है. आई वुड जस्ट से वन थिंग, कि अगर आपने किसी को इस तरीके से भी जज करना है ना, तो आप देखो कि उसके एक्शंस कैसे हैं. क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें करने वालों में से होते हैं. इनके एक्शंस ना इनकी बातों से बिल्कुल कॉन्ट्रेडी होते हैं. रिलीजन का पर्दा ओढ़ कर जो लोग मुनाफ़त करते हैं ना, उनसे तो हाथ जोड़ के ना, चप्पल भी वहाँ छोड़ के भाग जाएं पीछे. इनके साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन ना रखें, क्योंकि ये दो नंबरी की हाइट, हर तरह से आपके साथ दो नंबरी करें. इनका ये टैलेंट होता है कि किसी के साथ बुराई करके ना खुद को मज़लूम बताना, कि हम तो बड़े मज़लूम हैं, हम तो बड़े मज़लूम हैं. आई विश यू वेल इन एवरीथिंग, ठीक है. बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, उनसे अपनी जान छुड़वाएं, ठीक है. और जस्ट बी पॉजिटिव एंड हेल्प अदर्स अराउंड योर सेल्फ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बिकॉज दुनिया में हर चीज़ और मिल सकती है सिवाय आपके पेरेंट्स के. इंशाल्लाह अब उस पार्ट में जो है वो मिलेंगे आपसे. सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. बाय.